देश की सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पूरी तरह भारत में बैन कर दिए हैं। उनका संचालन अब हिंदुस्तान में नहीं किया जाएगा। बुलंदशहर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका टिकटॉक के माध्यम से रोजगार चलता है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, तो सुनिए क्या कह रहे हैं बुलंदशहर के टिकटॉक यूजर्स। मेरा नाम लव सुहेल है। सुहेल जी, जिस तरह से सरकार ने ऐप्स बैन किए हैं जिसमें टिकटॉक भी है, तो आप टिकटॉक बना देते, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? महसूस किया, टिकटॉक बैन हो गया, दुख की बात है, लेकिन सरकार ने जो किया है हमारी बेहतरी के लिए किया है और हम सरकार की तरफ से हम फुल सपोर्ट करेंगे सरकार को। और देखा जाएगा, भारत में टैलेंट की कमी तो है नहीं, भारत का खुद का कोई अपना ऐप बनेगा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। मेरा नाम शोएब अंसारी है। शोएब, टिकटॉक बनाते थे, बैन हो गई हैं, कितने फॉलोवर्स थे आपके, क्या कहना चाहोगे? मेरे करीब 7 लाख के करीब मेरे फॉलोवर्स थे और 1-1.5 साल से मैं वीडियोज बना रहा हूँ। तो जिस तरह से सरकार ने बैन करी है, तो क्या कहना चाहोगे? काफ़ी दुख की बात है, टिकटॉक बंद हो गया है, पर इससे अच्छी ये बात है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो हमारे फायदे के लिए ही लिया है। इस वजह से जब भारत सरकार कोई ऐप बनाएगी तो हम वीडियोज बनाएंगे और ऐसे फेमस होंगे। बता दें कि ज़्यादातर यूज़र से हमारी टीम ने बात की, सभी का यही कहना है कि वह देश के साथ हैं। यदि भारत सरकार ने यह फैसला लिया है तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा और देश की सुरक्षा के लिए किया गया कोई भी फैसला गलत नहीं हो सकता। बुलंदशहर के सभी यूज़र पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और वह इंतज़ार करेंगे कि हिंदुस्तान में बनकर तैयार होने वाली ऐप का, जिस पर वह अपनी कला का प्रदर्शन कर सके और उस ऐप के द्वारा पैसे भी कमा पाएं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।